शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे आ गया हूं। ये वाक्य बड़ा कमाल का है। इससे मुझे एक बड़ी छोटी सी कहानी याद आती है। जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। दो सैनिक थे, दोनों बड़े खास दोस्त थे, मित्र थे, और दोनों ही सैनिक जब लड़ रहे थे दुश्मन की सेना से तो दुश्मन के खेमे में फंस गए। एक किसी तरह से जान बचा के लौट आया, एक वहीं फंसा रहा। दोनों सैनिक, दोनों मित्र, एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले लोग। तो जो मित्र चला आया उसे बड़ा दुख हुआ कि वो मेरा दोस्त वहाँ फंस गया। तो उसने अपने अधिकारी से, जो बॉस हैं, जो बड़े अधिकारी थे सेना में, उनसे कहा कि मैं जाऊँगा। तो जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने कहा, देखो वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो दुश्मन के बीच घिर चुका है, अब तुम जाके क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बोले, नहीं सर, मैं जाऊँगा। वो गया, थोड़ी देर में लौटा तो उसके कंधे पर अपने उस मित्र सैनिक का शव था। वो दुनिया से जा चुका था, वो शव लेकर लौटा। तो अधिकारी ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम मत जाओ, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। वो बोले, नहीं सर, फायदा हुआ, क्योंकि जिस वक्त मैं वहां पहुंचा उस वक्त ये जिंदा था और मुझे देख के कहा कि मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। ये जिंदगी, ये विश्वास जिंदगी में रहना चाहिए कि तुम जरूर आओगे। और हम यही कहते हैं सुख से कि दुख के चाहे जितने दिन हो तुम जरूर आओगे। हम यही कहते हैं हंसी से कि चाहे जितने गम हो तुम जरूर आओगे। हम यही कहते हैं मुस्कुराहट से कि चाहे कितनी उदासी हो तुम जरूर आओगे। और जब हम आ गए हैं तो हम मिलके कहते हैं, वाह भाई वाह। अरे वाह भाई वाह। आइए, मैं कह रहा था कि हम कहते हैं मुस्कुराहट से कि तुम जरूर आओगे, हंसी से भी कहते हैं तुम जरूर आओगे। उन्हें लाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। मालवीय साहब, आपका ध्यान अगर भुवन मोहिनी से हटे तो मैं आपका परिचय कराऊं। जी जी जी, आपका जो ध्यान है वो जरा, हाँ हाँ, इस तरफ कीजिए। तो ये राजेंद्र मालवीय जी हैं। ये राजेंद्र मालवीय आलसी के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन देखिए यहाँ इन्होंने अपना आलस्य बिल्कुल त्याग दिया। मैं इधर बात कर रहा हूँ, इनका मुँह इधर ही है। तो जरा इधर ध्यान दीजिए, अपने मुखमंडल की आभा को जरा इधर कीजिए। आपकी आभा मेरे लिए बड़ी आवश्यक है। मध्य प्रदेश में एक जगह इटारसी, जो बहुत बड़ा रेलवे का जंक्शन है, और रेलवे में ही काम किया करते थे राजेंद्र मालवीय आलसी जी। अब इन्होंने आलसी नाम अपना क्यों रखा ये तो यही बता सकते हैं, लेकिन कविता लिखने में इन्हें कभी आलस्य नहीं आता, लोगों को हंसाने में कभी आलस्य नहीं आता। तो स्वागत करते हैं राजेंद्र मालवीय जी। राजेंद्र मालवीय जी के पास जो बैठी हुई हैं वो इंदौर से आती हैं हमारे बीच में, मूलतः राजस्थान की हैं और इंदौर में रहती हैं, और बहुत बढ़िया ढंग से पिछले दिनों कविता के फलक पे इन्होंने अपने नाम को विस्तारित किया है, अपनी कविताओं की वजह से, अपने गीतों की वजह से, और बहुत तेज़ी से इन्होंने तरक्की की है। इतनी तेज़ी से की है कि आज इस मंच तक आ पहुँची है। भुवन मोहिनी, वाह भाई वाह, मैं आपका स्वागत है। कुछ लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग जन्म होते हैं, कुछ लोग होते हैं। उन्हीं में से एक है संजय झाला। संजय झाला क्या है ये अभी तक शोध का विषय है। ये किस वक्त कब क्या हो जाएं ये कोई नहीं जानता। ये बैठे बैठे अपने चेहरे को गमगीन बना लेते हैं, कभी कभी हसीन बना लेते हैं, अपनी अदाओं से लोगों को रिझाते हैं, कभी कभी अपनी अदाओं से लोगों को बचाते हैं, लेकिन अक्सर अपनी अदाओं से लोगों को फंसाते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज अपनी अदाओं से ना वो फंसाएंगे लेकिन हमें हंसाएंगे। संजय झाला एक ऐसे कवि हैं जिनकी पुस्तक का शीर्षक है सुनी सुनी आवे हंसी, मतलब जिनको सुन के आपको हंसी आती है, और व्यक्तित्व ऐसा कि जिन्हें देख के भी हंसी आती है। संजय झाला हमारे बीच में है, हम स्वागत करते हैं संजय झाला। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करें। तो मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो स्वयं में इस देश के हास्य कवि सम्मेलन के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। सर्वश्रेष्ठ कवियों की जो सूची है उनमें उनका नाम निश्चित तौर पर लिखा जाता है और लिखा जाएगा भी। इंसान वो चाहे जैसे हैं, कवि बहुत अच्छे हैं। संजय झाला, शैलेश भाई, एक गद्य नाट्य मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं और बिल्कुल आनंद की यात्रा मैं आपको कराना चाहता हूं। वो एक आदमी गए बाबा जी के पास में और बाबा जी से जाकर बोला, रहे बाबा बाबा घराली बस में नहीं आती। अच्छा। बाबा बोला, रहे बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला।
अरे बोले बाबा कार में नहीं, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने उसके 6-7 चिमटे मारे, बोले बावड़े मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। बहुत बढ़िया। अरे बोले बाबा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लुगाई चीज क्या है, ये नारी चीज क्या है। बाबा बोला बेटा नारी पावर है, नारी शक्ति है। अच्छा। अरे बोले पुरुष क्या है, बोले ये बेचारा सहन शक्ति है। अरे बोले बाबा मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोला बेटा शादी दो आत्माओं का मिलन है, एक रात दो आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। बहुत बढ़िया। अरे बोले बाबा तू बाबा जी हो गया, अभी भी लुगाई पे अटका हुआ है क्या, अभी भी तू अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता है। बाबा बोला हाँ करता हूँ, मैं अभी भी अपनी लुगाई को उतना ही प्यार करता हूँ, भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। पिछले दिनों शैलेश भाई मेरी लुगाई बीमार हो गई। अच्छा। और बीमार होकर मुझसे बोली लगता है मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अच्छा। पीछे से मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं भारतीय पति आदर्शवादी पति, मैंने कहा तू बच्चों की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं खुद बिना लुगाई के रह सकता हूं लेकिन बच्चों को मम्मी के बिना एक दिन भी नहीं रहने दूंगा। बहुत बढ़िया। अच्छा साहब दोनों में संवाद आगे बढ़ रहा था, बोले बाबा जी मैंने तो बता दिया, तू बता तू बाबा जी कैसे बना। हाँ। अब आप आनंद लेंगे। बोला कुछ नहीं यार, मेरा नया नया ब्याह हुआ था, मैं लुगाई को हनीमून मनाने के लिए हरिद्वार लेकर गया हुआ था। अच्छा। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब, बाबा जी था हरिद्वार ही जाता, कौन सा स्विट्जरलैंड जाता। तो बोला हरिद्वार लेकर गया था, पत्नी ने गंगा स्नान किया, गंगा का पानी बहुत तेज ठंडा था, अचानक पत्नी को बहुत तेज खांसी हो गई। अब आप जानते हैं कि नया नया पति एडिशनल इमोशनल होता है, अतिरिक्त भावुक होता है। वो बाजार गया, बाजार से दवा की एक पुड़िया लाकर पत्नी को दी। थोड़ी देर बाद एक चमत्कार हुआ। पत्नी की खांसी और आवाज दोनों हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर आ गए। अब वो बेचारा गंगा के किनारे बैठकर रो रहे हैं, भगवान मेरी लुगाई अब कभी बोल नहीं पाएगी, भगवान अब मैं क्या करूंगा। तभी अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ, बोला किम कारणम रुदनम करो तिवत्सह। अच्छा। तू क्यों रो, मेरी लुगाई कभी बोल नहीं पाएगी प्रभु, अब मैं क्या करूंगा। देवदूत बोला पगले ऐसी पत्नियां तो करोड़ों जन्म की तपस्या के बाद प्राप्त होती। ये बोल नहीं पाएगी, मैं अब इसका क्या करूंगा। देवदूत फिर बोला पगले अगर तुझे बोलने वाली चाहिए तो तू मेरी रख ले। ये बात कहकर अचानक देवदूत गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। अब जो ही उसके सालों को पता चला कि जीजा ने, इस बाबा ने जीजी को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया है, सालों ने जीजा को बहुत कूटा। अच्छा। बहुत मारा, मामला अदालत में गया, उसने अदालत में जज साहब, जज साहब मुझे बचा लो, जज साहब लोग मार डालेंगे, जज साहब मुझे बचा लो। जज साहब ने कहा साले तेरे तो कर्म ही ऐसे, तूने तेरी नई नई लुगाई को हमेशा के लिए साइलेंट मोड पर ला दिया, तेरे तो कर्म ही ऐसे। बोला जी ये मुझे कर्मों के लिए नहीं मार रहे, ये सब मुझसे पुड़िया मांग रहे हैं, पुड़िया। बहुत बढ़िया। बोले पुड़िया मांग रहे यार, तेरी लाइफ को तो खतरा है। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि इसको कोर्ट के बगल वाले लॉकअप में बंद कर दिया जाए, कल हम खुद इसके बयान लेंगे। क्या बात, आप जो समझ रहे हो वो बात बिल्कुल नहीं है साहब। जज साहब दूसरे दिन लॉकअप में गए और बाबा से बोला बाबा एक पुड़िया और है क्या। संजय ऐसा अक्सर होता है, मुझे याद है एक जमाने के अंदर जब अखबारों में विज्ञापन आया करते थे, वैवाहिक विज्ञापन, तो मुझे याद है एक जमाने में एक आदमी ने विज्ञापन दिया पत्नी चाहिए, उसके बाद 150 लेटर आ गए हमारी ले जा। आदमी इतना परेशान है, इतना दुखी है। लेकिन देखिए ये पति पत्नी के संवादों से जीवन में से हास्य निकलता है और निकलना भी चाहिए, क्योंकि आपस की जो तकरार है यही प्यार का मूल होती है, और प्यार का जब मूल तकरार हो तो उसमें से मोहब्बत निकल के आती है, वरना तो दुनिया ऐसी है कि हबीब सोज साहब का एक शेर मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि यहाँ अच्छे से अच्छा लोहा टूट जाता है, यहां अच्छे से अच्छा लोहा टूट जाता है
100 झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है, लेकिन हम सच्चाई को जिंदा रखने वाले लोग हैं, हम अच्छाई को जिंदा रखने वाले लोग हैं। यही कविता का कर्म भी है, कविता का धर्म भी है कि जब तक वो आपके मर्म तक न पहुंचे वो कविता नहीं है। तो आइए, हमारे साथ संजय झाला है, भुवन मोहिनी है और राजेंद्र मालवीय आलसी जी हैं। तो आलसी जी, क्या आप वहां से लेके यहां तक उठने में कामयाब होंगे, आ पाएंगे, क्योंकि आप आलसी हैं? अरे आ जाएंगे, आइए राजेंद्र मालवीय आलसी। सभी को नमस्कार करता हूं बाकायदा, और एक बात बताना चाहता हूं, जताना चाहता हूं। हम घर से निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमें आनंद आता, दोस्तों से मिलते हैं हमें आनंद आता, कोई काम करते हैं हमें आनंद आता, और ऐसे सीरियल देखते हैं हमें आनंद आता। किंतु हम अक्सर ये सोचते हैं, यार कल मिल लेंगे, कल कर लेंगे, और इस सीरियल को कल देख लेंगे। ये जो टालने वाली बात है, उस पर मैं दो लाइन कहता हूं कि जीवन की आपाधापी में खुशियों के कुछ पल मिलते हैं, उनको उसी तरह उसी वक्त जी लेना, ये मत कहना कल मिलते। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्योंकि क्योंकि वो ईश्वर देता है, वरना ये पल नहीं आता। और हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए कल नहीं आता। वाह, तो बात यूं है कि मुझे बुला लिया इटारसी से, और वहां यहां मुझसे बोलते हैं अब आप कुछ बोलिए। अब मेरी शादी को 40 साल हो गए, मैं क्या बोलूं? ये हालत है घर में, ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले कि फीमेल शब्द से नफरत हो गई। ओहो। और फीमेल शब्द से नफरत नहीं हुई, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। गई भी क्यों बोलूं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे राज भाई, बहुत बढ़िया। गई भी क्यों बोले भाई? गई भी क्यों बोलूं? ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले। एक दिन मैंने पत्नी से कहा, सुनो, वो बोली क्या? मैंने कहा इशारा। बोली क्या बात है? मैंने कहा देखो, मैं कवि हूँ, तुम ही मेरी कविता हो, तुम ही मेरी कल्पना हो, तुम ही मेरी प्रेरणा हो, तुम ही मेरी साधना हो, तुम ही मेरी आराधना हो। इतनी बात सुन के वो भी भावुक हो गई। बोली सुनो, मैंने कहा क्या? बोली तुम ही मेरे महेश हो। तुम ही मेरे रमेश हो, और तुम ही दिल्ली वाले दिनेश हो। अब क्या है, दिल्ली में उसका मायका है, अपन समझ गए कि मामला क्या है। उस दिन से फीमेल शब्द से नफरत हो गया। अब तो बाजार में जाता हूँ नाश्ता करने, दुकानदार को 20 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ दो कचौड़ा दे दे। वो कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है। फिर मैं उससे कहता तू जलेबा दे दे। बोले साहब जलेबा नहीं जलेबी है, खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। अरे बोले साहब गरम गरम है, रस भरी है, मीठी है, खा लो। मैंने कहा नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा जलेबी और फीमेल में बड़ी सिमिलरिटी है। अच्छा, पहली सिमिलरिटी तो तू ही बता रहा कि ये गरम है। वाह वाह, बहुत अच्छे। और दूसरी सिमिलरिटी तू ही बता रहा कि ये मीठी है। और तीसरी भी तू ही बता रहा कि ये रस भरी है। और चौथी मैं बता दूं तो याद रखना। और मैंने कहा फीमेल और जलेबी कितनी भी कोशिश कर लो, कभी सीधी नहीं। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। तो भुवन मोहना बोला। भुवन मोहना बोला, रे दादा तू सवेरे सवेरे सब्जा मंडा क्यों गया, शाम को क्यों नहीं गया? और मैंने कहा भुवन मोहना, सवेरे सवेरे सब्जा मंडा इसलिए गया कि सवेरा होता है, शाम को इसलिए नहीं गया कि शाम होती है। बहुत बढ़िया। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया, दुकानदार से पूछा मेथा का भाजा है क्या?
दुकानदार बोला साहब मेथा का भाजा नहीं है, मेथी की भाजी है। अच्छा मैंने कहा ये बता ये गोभा क्या भाव दिया? बोले साहब गोभा नहीं गोभी है। अच्छा मैंने कहा गोभा को मार गोला और भिंडा दे दे। और मैं टिंडा ले आया और मजा आया हो अगर तो ढंग से ताला बजाओ। बहुत बढ़िया रायल जी, बहुत बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपने क्या कविता सुनाया। सुनाई तो मैं कह नहीं सकता, बहुत मजा आया, इन्होंने ताला बजाया और आपने अपना कमाल दिखाया भाई। बहुत ये कमाल का प्रयोग किया राजेंद्र मालवीय ने। संजय जी आप आनंदित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? परमानंदित हो रहा हूं। अरे वाह वाह क्या स्थिति आपकी। सबसे ज्यादा तो आश्चर्य आपको ये होगा कि मैंने आपको आप और संजय जी कहा। हाँ धन्यवाद धन्यवाद काफी इज्जत बख्शी आप। चलिए तो हम बुलाते हैं उन्हें जो हमारी महिला वर्ग की आधी आबादी की प्रतीक है और आज यह हमारे बीच में आके क्या कहना चाहते हैं उन्हीं से सुनते हैं। भुवन मोहिनी का ऐसा स्वर जो इन दोनों बड़ा तेजी से उभर रहा है, आइए हम मिलते हैं भुवन मोहिनी से और सुनते हैं उनसे उनकी कविताएं। भुवन मोहिनी। बाबा की बात की थी संजय जी ने जी। कोई मंदिर हो या मस्जिद शिवाला छोड़ देता है, कोई मंदिर हो या मस्जिद शिवाला छोड़ देता है, गोपी का गीत सुन उद्धव भी माला तोड़ देता है। और उफंती रूप की गागर से गर एक बूंद गिर जाए, उफंती रूप की गागर से गर एक बूंद गिर जाए तो वो ऋषियों के संयम का भी ताला तोड़ देता है। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय शैलेश जी आपने अभी बात कही थी कि देश के आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हम लोग यहाँ करते हैं, तो आज मैं अपनी बात यहीं से प्रारंभ करना चाहती हूँ। क्यों हम बेटियों को मान देते हैं, क्यों सम्मान देते हैं, क्यों बेटियों के लिए भी एक विशेष स्थान है। चार पंक्तियाँ सुनिए मैं सुनाती हूँ। सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री एठी नहीं होती, हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग में बेटी नहीं होती, यहाँ हर एक पिता के भाग में बेटी नहीं होती। चार पंक्तियाँ और तर्क की समर्पित करती हूँ। आप सभी महनीय कवि हैं कि ना उनकी आँख यूँ फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आँख यूँ फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, कोख से बेटी हुई होती। ये भारत वर्ष है जो संस्कारों का देश माना जाता है। चार पंक्तियां वो संस्कार जो मुझे मेरे परिवार से मिले, सुनिएगा। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगा। बहुत बहुत आभार, बहुत भुवन मोहिनी ने दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व किया और बेटियों पे अपनी बात कही। मैं जब भी बेटियों पे कोई कविता सुनता हूँ या कोई बात सुनता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। मित्रों आप भी भावुक हो जाते होंगे। ये सृष्टि का ऐसा स्वरूप है जिससे श्रेष्ठतम कुछ भी नहीं है। तो मुझे डॉक्टर उर्मिलेश का सिर्फ एक दोहा याद आता है। डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर जो हमारे देश के बड़े महनीय कवि हुए, उनका इतना खूबसूरत दोहा है। वो दो पंक्तियों में बात कहते हैं कि तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख मीन, तितली हिरनी मोरनी
कोयल बत्तख मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। तो ये जो सृष्टि पिता की बेटियां हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे खूबसूरत सेगमेंट की तरफ जाते हैं, इसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है, यानी हम एक आपको फिल्मी दृश्य दिखाएंगे, उसमें आवाज नहीं होगी, आप अपना इल्म उसमें डाल दें, जोड़ दें, और आप सोचें कि इस दृश्य को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, मतलब हम कवियों के दिमाग में क्या आ रहा है। तो आइए देखते हैं पहला दृश्य, कहानी थोड़ी इल्मी है। रीना रॉय जी बड़े गुस्से में हैं और भाव नहीं दे रही हैं जो खलनायक हैं उन्हें बिल्कुल भी। वाह, कुछ आता है दिमाग में किसी के? कुछ मेरे दिमाग में कुछ आया जी, कहिए। जब नायिका इस तरीके से भाव नहीं देती है तो चार पंक्तियां सुनिए कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। अच्छा, हम ये आपके लिए भी है कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। बहुत बढ़िया भुवन, बहुत अच्छे। चलिए हम देखते कहानी थोड़ी इल्मी है मैं, ये दूसरा दृश्य। मुमताज जी, ओहो, राजेश खन्ना साहब, फिल्म ओ रोटी, यहाँ ये फिल्म रोटी थी, मनमोहन देसाई साहब की बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। रोटी का संघर्ष देखिए आप, एक व्यक्ति की भूख का संघर्ष देखिए इसमें। इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, भाई मुझे धूमिल की, कवि धूमिल की, धूमिल हमारे देश के बहुत बड़े कवि हुए, चार पंक्तियां याद आती हैं कि एक आदमी है जो रोटी खाता है, दूसरा आदमी भी है जो रोटी बेलता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, बस वो रोटियों से खेलता है। बताइए वो आदमी कौन है? तो मैं कहना चाहूंगा इस बात पर देश की राजनीति मौन है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये कविता की ताकत है, ये कविता की हिम्मत है, ये कविता का विश्वास है, और यही होना चाहिए कि हम जिंदगी के दर्द को उठाएं, यही होना चाहिए कि हम विसंगतियों पर प्रहार करें, यही होना चाहिए कि हम आपको हंसाएं भी, लेकिन जो अनसुलझे अनउत्तरित प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब भी लेके आए। खामोश रहना हमारी फितरत नहीं है, कलम को खामोश रहना भी नहीं चाहिए। इस दुनिया में जितने पुनर्जागरण हुए, जितनी क्रांतियां हुई, वो तोप गोलों बंदूकों बारूदों से नहीं हुई, वो कलम से हुई, और इस कलम को हथियार बना के हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, इस कलम को हथियार बना के हम मुसीबतों के पहाड़ पर चढ़ते रहेंगे, इस कलम को हथियार बनाकर हम हर दिशा में बढ़ेंगे। शैलेश और आइए मिलकर कहते हैं शैलो प्रदेश चुवा भाई वाह। जिंदगी में समझदारी बड़ी काम की चीज है, लेकिन जरूरी है कि सबके पास समझदारी हो, लेकिन समझदारी तो जरूरी है ही। एक महिला बड़ी समझदार, एक वाक्य में उसने जो हाल किया अपने पति का, झगड़ा हो रहा था, झगड़े में हम अक्सर कहते हैं ना कई बार ये ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, पति बड़ा जोश से बोला तेरे जैसी 50 मिलेगी मुझे। वो मुस्कुरा के खड़ी हुई, अब भी मेरे जैसी चाहिए। समझदारी है, एक वाक्य में ही सब हो गया। एक आदमी भी बड़ा समझदार, ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ था, ऑपरेशन उसका दामाद कर रहा था, तो उससे लगा दामाद कहीं बदला ना निकाल ले, मेरी बेटी से शादी के बाद जो हुआ है इसके साथ। तो ऑपरेशन टेबल पे लेटे हुए ससुर ने अपने दामाद से कहा, देखो बेटा वैसे तो मुझे मालूम है तो मुझे कुछ नहीं होने दोगे, लेकिन भगवान न करे कुछ हो गया और मैं चला गया तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ रहेगी। उसके बाद क्या होना था, ऑपरेशन सफल रहा। बड़ी समझदारी से उसने अपना काम कर लिया। तो जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो बड़ा समझदार होते हैं, लेकिन जितने कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, कलमकार हैं, पत्रकार हैं, उन्हें ये समझदारी दी जाती है ताकि वो समाज में अलख जगा सकें, समाज में मशाल जला सकें, रोशनी प्रज्वलित कर सकें। तो तीन समझदार हमारे साथ बैठे, इनके लिए कहते हैं वाह भाई वाह। अरे वाह भाई वाह। तो आइए समझदारी की बात करते हैं। समझदारी की बात में जो तीन समझदार हैं, तीनों ही दमदार हैं, उसमें तो एक नाम से भी दमदार है, वो है दमदार बनारसी। कभी बाल खोलते हैं, कभी बाल बांध लेते हैं। मैंने से पूछा बाल खोल क्यों लेते हो?
बांध क्यों लेते हो, ऐसा अक्सर क्यों करते हो? बोले पत्नी का व्यवहार जिस दिन मेरे साथ ठीक होता है उस दिन मैं बाल खुले नहीं रखता, क्या पता कब व्यवहार बिगड़ जाए और अगर मैं हाथ ना आए और बाल ही हाथ आ गए तो मेरा क्या हाल होगा, क्योंकि ये नाम से दमदार हैं और वो काम से दमदार हैं। हमारे साथ है दमदार बनारसी, हम इनका स्वागत करते हैं। मंच के इस कोने में जो बैठे हैं हिंदी कवि सम्मेलन के बेहद वरिष्ठ कवि हैं और व्यंग के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से अपना काम कर रहे हैं, अकोला महाराष्ट्र में रहते हैं घनश्याम अग्रवाल जी, जिनका अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है और बहुत सहज ढंग से बात करते हैं। अगर आप इनकी बात ध्यान से सुनेंगे तो कई दिनों तक हंसते रहेंगे और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कई सालों तक हंसते रहेंगे। ये है घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम और दमदार के बीच में अनामिका बैठी है। अनामिका अपने कविताओं को और अपने गीतों को लेके सारे देश में जाती हैं और लोगों का बड़ा प्यार पाती है और मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि वाह भाई वाह, मैं भी आज इन्हें पूरी देश और दुनिया का भरपूर प्यार मिलेगा। अनामिका अंबर मेरठ से। तो चलिए महफिल की शुरुआत की जाए, क्या किया जाए, लखन माइक लो कहीं से। मेरे दो अनमोल लखन में से एक लखन, बताओ क्या किया जाए। शैलेश जी, इस तरह बीच में आप जो मुझे थोड़ी देर के लिए माइक देते हैं तो मुझे एक दिन का मुख्यमंत्री बनने जैसा फीलिंग होता है। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मैं अलग ही जाऊं, हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं झूठ बोला से और मैं आके बजाऊं भाई। हद है, आदमी को उंगली पकड़ाओ पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तुम चाहते क्या हो? मैं आ जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं आ सकता क्योंकि तुम बड़ा कमाल का बजाते हो। माइक छोड़ दो क्योंकि वो काम तुम कमाल का नहीं करते हो। आइए हम बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं उसे जो अपने खास अंदाज से आपके दिलों पर राज करेगा और लोग कहेंगे भाई वाह क्या बात है, कमाल कर दिया, जोरदार जोरदार, आओ दमदार। अरे आदरणीय घनश्याम दादा बैठे हुए हैं, इनके समय की मोहब्बत अलग थी। अच्छा, मैं अपने जमाने की बताता हूं। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। हाय हाय हाय, इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता। जब कभी मैं अपनी फोटो पोस्ट करता तो टच वो दो बार कर देती तो ये दिल लाल हो जाता। ये शेर बोलो, अपना मतलब बोलो, जो तुम्हारा मतलब जो तुमने कथा कहा उसके पहले दो मिसरे बोलो फिर से जरा। इश्क मॉडर्न मेरा, काश ये भी हाल हो जाता, हाँ वो फॉलो करती मुझे, मुझको वो फॉलो करती और मैं निहाल हो जाता, और मैं निहाल हो जाता। उसे जो आती एक दो छींक और ढूंढती वो कपड़ा, आपकी कसम मेरा पूरा बदन रुमाल हो जाता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुने कि हम तो उसके प्यार में पटिया से घाटर हो गए। अच्छा, बोतल से अधा हुए, अधे से क्वार्टर हो गए। दिल रुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। ये पहली दो लाइनें फिर से पढ़ो। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, पहले बोतल से अधा हुए, अधे से क्वार्टर हो गए। यानी कि पहले एडल्ट थे फिर जवान हुए, हाँ और फिर बच्चा है। पहले एडल्ट थे फिर जवान हुए फिर बच्चा है। अरे क्वार्टर ही ठीक है, चखना बनने से तो अच्छा है। आदरणीय शैलेश जी, ये जिस तरह से आप बार बार अटैकिंग मोड में आ रहे हैं, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है, कैसे कहूं कि दिल में मेरे पेन नहीं है। रशिया की तरह आप मिसाइल न मारिए, ये मेरा कलेजा कोई यूक्रेन नहीं है। इस प्यार में बस लॉस है, कुछ गेन नहीं है, कैसे कहूं कि दिल में मेरे पेन नहीं है। तू किसी और की हो गई तो कोई बात नहीं,
अब ये कह के तो दिल ना तोड़ के तेरी कोई बहन नहीं है। अब इस मामले में मेरी वाली थोड़ी अलग है। हाँ, उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह। दोस्त वो रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सूती की तरह। दोस्तों, हुआ ब्रेकअप तो मेरी जान चिक चिक चाऊ करती है। हुआ ब्रेकअप तो मेरी जान चिक चिक चाऊ करती है। मेरे ऊपर वो इस्तेमाल सारे दांव करती है। मैं चूहे सा छुपा हूँ बिल में, थर थर कांपता रहता। जो कल तक थी मेरी बिल्ली, मुझी से म्याऊ करती है। दोस्तों, इश्क के आईने पे धूल हो झाड़ देता हूँ। हाय हाय, मोहब्बत में बड़े बड़ों को भी पछाड़ देता हूँ। मैं बदला इस कदर लेता हूँ उसकी बेवफाई का, उसका नाम लिख लिख करके पन्ना फाड़ देता हूँ। मैं अपनी आत्मकथा बता रहा हूँ, सुनिएगा। हाँ। कि निकला कहाँ से था, कहाँ पे आ गया हूँ मैं। हाँ। निकला कहाँ से था, कहाँ पे आ गया हूँ मैं। उस दिलरुबा के प्यार में पगला गया हूँ मैं। नजरें जो मेरी उससे पहली बार मिली थी, सागर में जैसे गंगा की धार मिली थी। उस दिन से लेके आज तलक भी उदास हूँ, दुनिया समझ रही है मुझे देवदास हूँ। यह रोग लग गया है माइग्रेन की तरह, दिल जल रहा है मेरा लालटेन की तरह। क्या बात है, दमदार, वाह। चलते चलते चार मिसरे और मुलायजा फरमाइए। जी इरशाद। बस यही देख के सारा जमाना जल रहा है। बस यही देख के सारा जमाना जल रहा है। जो नक टेढ़ी है उसका भी अफेयर चल रहा है। तड़पना, आह भरना, बेकरारी, हाय तौबा। नाजुक शेर है। तड़पना, आह भरना, बेकरारी, हाय तौबा। इश्क का दर्द क्या जानेगा जो सिंगल रहा है। वाह, बहुत बढ़िया, वाह। क्या बात है दमदार भाई। कुछ लोग अपने बच्चों का नाम इसलिए रखते हैं कि वो अपने नाम को चरितार्थ करें। किसी का नाम दीपक रखते हैं कि वो रोशनी करे, सूरज रखते हैं कि सारे जमाने को रोशन कर दे, किसी का नाम विजय रखते हैं कि वो विजय प्राप्त करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं नाम कुछ और रखा जाता है लेकिन चरितार्थ नहीं करते। नाम रखा जाएगा करोड़ीमल और उधार मांगते फिरते हैं। ऐसे ही एक माँ बाप ने अपनी बच्ची का नाम रखा अनामिका, जिसका कोई नाम ही नहीं होता ना, अनामिका। लेकिन इस कदर इस लड़की ने अपने नाम का जो है चरबा किया है, अनामिका रखा माँ बाप ने नाम पर, इसने अपना नाम कर लिया। क्या किया जा सकता है, अनामिका ने अपना नाम कर लिया है। आइए हम मिलते हैं अनामिका अंबर से। आइए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के बीच हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं अलग अलग रंग से आज आपके बीच जुड़ने वाली हूँ। तो यहाँ से शुरू करती हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल चैटिंग का जो चस्का लगा हुआ है आजकल हमारे यहाँ बुज़ुर्गों को, ये बस देखते हैं कि डीपी सुंदर होनी चाहिए, फिर चाहे उसमें कोई भी हो। ऐसे में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। शैलेश जी, मैं यहीं से शुरू करती हूँ कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल, स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। असलियत सामने आई। इसलिए अनामिका, सबको यही कहना चाहता हूँ और सारी पीढ़ी को, और बड़ी ईमानदारी से और गंभीरता से कहना चाहता हूँ कि चैटिंग का शौक जरूर रख लीजिए, चीटिंग का शौक मत रखिए। वाह, क्या बात है। अच्छा, चीटिंग से मुझे एक बात याद आई है। हाँ। आजकल नारियों को बहुत कमजोर ना समझा जाए,
खास तौर से वो पुरुष, वो लड़के जो उन्हें समय कम दे पाते हैं। मैं एक बात कहती हूँ, नारियां प्रेम में कितनी आगे बढ़ गई हैं कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं। वाह। दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं, डर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं, डर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं, अब कोई कॉल मैसेज नहीं चाहिए, आज नंबर तेरा ब्लॉक कर दूंगी मैं। तरीका बदल गया है, मैं बार बार वही बात कहती हूँ, थोड़ी सी भाषा आधुनिक है, लेकिन जब अति प्रेम हो तो ये घटना घटती है जो मैं कहने जा रही हूँ, सुनिएगा। हर एक बात पर यूं शिकायत न होती, हर एक बात पर यूं शिकायत न होती, अगर हमको तुमसे मोहब्बत न होती, हर एक बात पर यूं शिकायत न होती, अगर हमको तुमसे मोहब्बत न होती, बेवजह यूं ही लड़ने की आदत न होती, अगर हमको तुमसे मोहब्बत न होती, अगर हमको तुमसे मोहब्बत न होती। तुम कहते हो तुम्हारा हूं मैं, तुम कहते हो तुम्हारा हूं मैं, तुम ही पे तो ये दिल हारा हूं मैं, हनी समझा करो कितना काम है, यूं जीवन तो बस तेरे नाम है, ऑनलाइन हो पर मैसेज करते नहीं, मेरे गुरूर से भी डरते नहीं, मेरी बात कानों से गुजरती नहीं, और फिर कहते हो कि तुम कॉल करती नहीं। इस बात पे अकोला वाले घनश्याम अग्रवाल जी की तरफ से 101 रुपये। आपने जो पैबंद लगाया है उसके लिए धन्यवाद, कि तुम कहते हो कॉल करती नहीं। सच नहीं के मुझे याद आती नहीं, फोन बुक पर नजर मेरी जाती नहीं, क्या बात है, वाह। मैं बिजी हूँ ये सुनना नहीं चाहती, इसलिए कॉल तुझको लगाती नहीं, हर समय वेट करने से नफरत ना होती, अगर हमको तुमसे मोहब्बत ना होती, तुम्हें सोचती हूँ तुम्हें लिखती हूँ, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा दिखती हूँ, पर तुम्हें इस बात की कोई कदर ही नहीं है, मैं कहाँ हूँ कैसी हूँ ये खबर ही नहीं है, रील टाइम पर, पोस्ट टाइम पर, वेलकम टाइम पर, होस्ट टाइम पर, टाइम 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 पर हर काम सुहाता है, पर मेरे लिए ये टाइम कम पड़ जाता है। थी बहुत स्वीट में ऐसा फीचर न था, क्या बात है, इतना मेजर कभी कोई मैटर न था, तुमसे दिल जो लगाया तो ये हाल है, भूलने सब लगी ऐसा नेचर न था, व्यस्तताओं में भी इतनी फुर्सत ना होती, अगर हमको तुमसे मोहब्बत ना होती, हर एक बात पर यूं शिकायत ना होती, अगर हमको तुमसे मोहब्बत ना होती। मैं बहुत बढ़िया नामी का, ये जो युवती है जो कह रही है, अनायिका नहीं मतलब इनके गीतों की जो नायिका है, वो जो कह रही है, शिकायत है उसे कि तुम पोस्ट टाइम पे कर देते हो, सब टाइम मेरे लिए ही टाइम नहीं है। ये जिंदगी में शिकायतें खत्म नहीं होती, और एक तरफ ये भी कहती हैं कि मैं ब्लॉक कर दूंगी, लॉक कर दूंगी, नॉक कर दूंगी, और इस तरह से तुझे शॉक कर दूंगी। अगला क्या सोचता है? अब्बास ताबिश साहब का एक शेर मुझे याद आता है, वो कहते हैं, मैंने कहा इजहार नहीं हो सकता, ता उसने कहा खबरदार नहीं हो सकता, मैंने कहा इजहार नहीं हो सकता, उसने कहा खबरदार नहीं हो सकता, जिसे पूछो तेरे बारे में यही कहता है, खूबसूरत है वफादार नहीं हो सकता।
भाई मैं क्या कहूँ, आज मेरे पास कहने को कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतना बढ़िया पढ़ा जा रहा है दमदार बनारसी अनामिका अंबर, और हमारे बड़े ही वरिष्ठ और सीनियर घनश्याम अग्रवाल साहब, जो पिछले इतने सालों से हिंदी कवि सम्मेलन में अपने हास्य और व्यंग की रचनाओं की वजह से मशहूर है, अकोला महाराष्ट्र में रहते हैं और इस उम्र में भी अपनी ऊर्जा पूरी बरकरार रखे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है घनश्याम जी आज भी आप लोगों का दिल उसी तरह से जीत लेंगे जैसा बरसों से जीतते आ रहे हैं। घनश्याम जी आइए। शैलेश भाई, आदमी हमेशा फ्लो में रहता है, फ्लो में। हाँ। और जब फ्लो में रहता है तो उसको कुछ पता नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा। भाव में बह जाता है। जैसे एक है कि कोई भी काम हो हम कहते हैं अच्छा हुआ। कोई भी काम हो, आदमी का नेचर है अच्छा हुआ। मैं मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था, एक पत्थर आके बच्चे को सिर को लगा, सर फूट गया। लोग आए और बोलने लगे वो तो अच्छा हुआ आंख नहीं गई। अबे सर फूटा उसका क्या। आदत है आदमी की। मुझे याद है साहब, मेरे पिताजी एक बार बिजनेस के लिए बेंगलोर गए और जब बहुत दूर है हमारे अकोला से बेंगलोर, जब वापस आ रहे थे तो अकोला के पास भुसावल जंक्शन है, भुसावल। हाँ, वहाँ आते आते उनका हार्ट फेल हो गया। पुलिस ने फोन किया, हम टैक्सी लेके गए, 4 घंटे में बॉडी लेके आ गए। सारे गांव को पता चल गया कि कवि का बाप मर गया। तो बहुत लोग आए मैयत पे, ट्रेन में मरा। आड़ी टेढ़ी मैयत हो तो ज्यादा लोग आते। आड़ी टेढ़ी मैयत। अच्छा साहब, पिताजी भुसावल में मरे पिताजी, फिर भी लोग फ्लो में आकर कहने लगे वो तो अच्छा हुआ तुम्हारे पिताजी भुसावल मरे, जो बेंगलोर में मरते तो। 3 जगह गाड़ी बदलनी पड़ती, कैसे आते, वो तो अच्छा हुआ भुसावल मरे। एक पड़ोसी कहने लगा मेरे चाचा एक बार बेंगलोर में मरे थे, जैसे बार बार मरते। एक बार बेंगलोर में मरे थे तो 4 दिन के बाद बॉडी आई तो इतनी चेंज हो गई कि मेरी चाची मानने को तैयार नहीं उसका पति मार। ये तो अच्छा हुआ आपके पिताजी भुसावल मरे, बिल्कुल बॉडी ताजा है। ताजा। बधाई हो साहब, मेरे पिताजी के मरने पर लोगों ने मुझे इतनी बधाइयां दी, उतनी बधाइयां तो शैलेश भाई मेरे पैदा होने पर पिताजी को भी नहीं मिली होगी। अच्छा साहब, ऐसे एक बार क्या हो गया, काम करते करते मेरा बाएं हाथ मशीन में आ गया। अच्छा। हाथ कट गया, आ गए मिलने वाले फ्लो में, हाथ कट गया क्या मालूम रहता, इसीलिए आते फिर भी पूछेंगे। हाथ कट गया क्या, मैं बोला हाँ, कौन सा, मैंने कहा बायां। अच्छा हुआ बायां कटा, अच्छा हुआ ही बोलते, अच्छा हुआ बायां कटा, धैना नहीं कटा, नहीं तो खाने पीने के वांदे हो जाते। अब सुबह से शाम जो आता मेरे को बोलते अच्छा ही हुआ। जी में आया, बोलू भैया मशीन में तो मेरा धैना ही गया था। हाँ। पर सोचा खाने पीने के वांदे हो जाएंगे तो धैना निकाल के बायां डाल दिया। फिर एक पड़ोसी आया, मैं सोया था तो मुझे जोर जोर से जगाया और मैं जागा तो बोले सो रहे थे क्या। वही सवाल, हाथ कट गया क्या, सुनते सुनते तंग आ गया, बोलना पड़ा, बोला हाँ, कौन सा, मैंने कहा बायां। अच्छा हुआ बायां कटा, धैना नहीं कटा, नहीं तो खाने पीने के वांदे हो जाते। सुनते सुनते साहब मेरा फ्लो टूट गया, मैंने उनका गला पकड़ कर बोला भाई साहब खाने पीने की मदद के लिए कई दूसरे हाथ तैयार खड़े हैं, पर जो काम मेरा बायां हाथ करेगा तेरा बाप करेगा। अच्छा साहब, फ्लो में जाते जाते और बोलता है मेरे लायक कोई सेवा है तो बोलो। जी में आया, बोलू भैया सेवा करना है तो सुन, मेरा बायां हाथ नहीं तेरा है, आ जाया कर सेवा कर ले। चले भाई, मैं मूल विधा पे एक आध व्यंग सुना देता हूँ, मैं व्यंगकार हूँ। देखिए साहब, भ्रष्टाचार, थोड़ा सा हास्य के बात, एक व्यंग की बात सुनेगा। भ्रष्टाचार की बातें आपने बहुत सुनी, भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिट सकता, 4 पंक्तियां देखिएगा विक्रम और बेताल के माध्यम से, कि बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना और सारे नेता मौन हैं।
बेताल के सवाल पर विक्रम से लेके अन्ना और सारे नेता मौन है। जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ है तब साला भ्रष्टाचार करता कौन है? भाई वाह वाह वाह। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपके दाहिने और बाएं हाथ दोनों सलामत रहे, मगर दो बस बस मगर दोनों को मिलाकर एक बार ताली बजा दे। बहुत बहुत घनश्याम जी वाह, क्या बात है। इस उम्र में भी आपने जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया है बड़ा कमाल का है। फ्लो फ्लो में जो आपने सबको हंसाया है अद्भुत है भाई वाह। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे तो मुझे एक शायर के दो शेर याद आ गए। वो कहते हैं कि ये ना पूछो कब होगा, धीरे धीरे सब होगा। ये ना पूछो कब होगा, धीरे धीरे सब होगा। सरकारी है काम तेरा, होना होगा जब होगा। लेकिन अभी जो होगा वो बड़ा कमाल का है। हम आपको एक फिल्म क्लिप दिखाएंगे, आवाज नहीं सुनाएंगे, और उसे देख के हमारे ये मित्र क्या सोचते हैं ये आपको बताएंगे। तो देखिए कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे ओम प्रकाश जी नजर आ रहे हैं। ओहो राजकुमार साहब डाकू हैं शायद। मेरे ख्याल से धर्मकांटा फिल्म थी। डाकू को देख के किसी कुछ याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? जी जी जी। सब कवियों को सुनाने का बड़ा शौक रहता है, वो श्रोता की तलाश में करता है। अच्छा। कई बार कवि श्रोता की तलाश में डाकू बन जाता है, है? हाँ। और कई बार जब डाकू कवि बन जाता है तो इस तरह श्रोता तलाश करता है, एक डाकू कवि बन गया। अच्छा। तो उसने एक पत्र भिजवाया और कहा आपका बच्चा हमारे पास सकुशल कैद है। आपका बच्चा हमारे पास सकुशल कैद है, बच्चे की वापसी के लिए आज रात सपरिवार कवि सम्मेलन में भाग लीजिए और मेरी गंदी से गंदी कविता पर वाहवा कीजिए। कवि सम्मेलन के बाद बच्चा घर पहुंचा देंगे, खबरदार जो पुलिस की मदद ली तो बच्चे को 40 कविता सुना देंगे। भाई क्या बात है, बच्चे को 40 कविता सुना देंगे। घनश्याम जी, अनामिका और दमदार, आप तीनों ने कमाल कर दिया। ये वो लोग हैं जो बार बार सुनना चाहते हैं, लगातार सुनना चाहते हैं, हर बार सुनना चाहते हैं, दमदार सुनना चाहते हैं, प्यार सुनना चाहते हैं और व्यंग की धार सुनना चाहते हैं, और आप तमाम लोग ऐसा सुनाते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त शेर छोड़ा, और मैं जानता हूं कि आप ये जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं, तो चलिए आप अगर जानते हैं तो मैं कह देता हूं। सेलो प्रेजेंट्स, वाह भाई वाह। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, वक्त कहां पहुंच गया। जापान 5G 6G न जाने क्या क्या बना लिया है, चाइना उसे प्लास्टिक का पुल बना लिया है, लेकिन हमारे यहां का युवा बिजी है पेड़ों पे खुरच खुरच के लिखने के लिए। रमेश लव्स रीमा, कालू लव्स पुष्पा, अब जब वक्त इस कदर अच्छे कामों में बीत रहा हो तो भाई काय का 5G, काय का 6G। हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी जो चीज है ना जी, वो यही है जी, और इस मोहब्बत और प्यार के लिए जरा मुस्कुराते हुए कह दीजिए वाह भाई वाह। तो हमारे साथ हमारे तीन साथी बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हमने बीड़ा उठाया है कि हम जितना ज्यादा होंगे नए लोगों को यहां पे लाके प्रस्तुत करेंगे जो देश की निगाह में इस वक्त नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि 1,00,000 लोगों की निगाह में वो आ जाए, और यही हमारा प्रयास है। और उसी कड़ी में दो ऐसे कलमकार हमारे बीच में हैं जो पहली बार टेलीविजन के पर्दे पे आ रहे हैं, जिनमें से एक श्रावस्ती से आए हैं और उनके चेहरे पे इस वक्त कोई भाव नहीं है। तो पता नहीं शून्य में क्यों ताक रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बारे में बात हो रही है, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। श्रावस्ती से हमारे बीच बात है मनोज मिश्रा, जो आंचलिक भाषा में बहुत बढ़िया ढंग से कहते हैं स्वागत करते हैं मनोज मिश्रा का।
मनोज मिश्रा के पास अलीगढ़ की एकता आर्या है और जो इन दिनों कवि सम्मेलनों के मंचों पर अपनी पहचान बनाने में जुटी हुई है, लेकिन हमें लगा कि इस प्रतिभा को देश के समक्ष होना चाहिए, तो हम उनके गीतों के लिए आपके बीच में लेकर आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो गीत पढ़ेंगी तो आप कहेंगे कि बात बिल्कुल ठीक है, एकता में बड़ा दम है। एकता आर्या हमारे बीच में अलीगढ़, और एक कवि हमारे बीच में बवाल है। बवाल क्या है? जब वो सवाल था तब से कविता कर रहा है, अब तो अबाल है। तो ये सवाल से अबाल तक इसने जो बवाल किया है वो बड़ा कमाल है। और इसका नाम रमेश मुस्कान है, जो आगरा से हमारे बीच में आते हैं और अद्भुत हैं। हम रमेश मुस्कान का स्वागत करते हैं। तो रमेश मुस्कान, आपने मुस्कुराहट भरी शुरुआत जब कर ही दिए तो वहां क्यों बैठे? चले आइए रमेश मुस्कान, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। क्या है चले जी, ये कवि आपने बुलाए हैं, नए कवियों को आप अवसर दे रहे हैं, इसके लिए तो बधाई। ये प्रेम प्यार की कविताएं लिखती हैं जी, तो ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। काव्यानुवाद? हाँ। अच्छा, कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी किए कि कोई प्रेमिका हो भाई, हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। बहुत बढ़िया। अखियां लड़ गईं, अखियां लड़ गईं, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो तीन चार जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। तो प्रेम में पता नहीं क्या क्या होता है जी। हाँ, अभी लॉकडाउन कोरोना काल निकल के गया तो लॉकडाउन में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा। अच्छा, कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, और इसकी प्रैक्टिस घर में ही करी। कई कई बार गाया, पता लगी मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। मैं बचपन में जब गाता था तो मेरा भाई छत पर खड़ा हो जाता था। अच्छा, मैंने कहा भाई तू छत पर क्यों खड़ा है? बोला मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं नहीं गा रहा हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ। मोहब्बत है क्या? मोहब्बत के बारे में तमाम बातें ये करते हैं लेकिन मोहब्बत करके देखो तो आप लोगों को पता लगेगी। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। अच्छा, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। अच्छा, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। और प्रयास भी घर वालों ने बहुत किए, इन लफड़ों में न पढ़ूं। बहुत रोका बहुत टोका मगर मैं रुक नहीं पाया। पिताजी ने पिटाई की मगर मैं झुक नहीं पाया। तगादा आज भी मुझसे पुराने दोस्त करते हैं। तुम्हारे प्यार में कर्जा लिया वो चुक नहीं पाया। बहुत बहुत रमेश मुस्कान ने तो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हमारे समक्ष किया। अब हम पढ़ते हैं आगे। सेलेसक बोलो भाई साहब, आप ये क्यों कर दिया मेरे बिना ही शो शुरू कर दिया सर? अरे क्यों कर दिया, शो शुरू कर दिया, आप हो कौन पहले ये तो बताओ। सर मैं आमंत्रित कवि हूँ सर, आपने कहा था कि मंच का तोहफा देंगे, नए कवियों को मौका देंगे। अरे आप हो कौन? मैं राकेश तिवारी, आपने कहा था कि आना, मैं सर बहुत ज्यादा वेट हो गया, खाते खाते लेट हो गया। यार कमाल यार तुम इतने राकेश तिवारी। हाँ 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 सर वही, ये समोसा, मैं कवि कविता, आपने कहा था मैं माइक, सपना बड़ा, मंच बड़ा, मैं आ गया सर। मतलब तुम्हारे लिए इस मंच से ज्यादा महत्वपूर्ण समोसा है? जगह भर गई यहाँ तो सर चला जाऊँ क्या फिर? हाँ ठीक है, ऐसे कैसे चला जाऊँ सर? नहीं निकलो आप। अरे सर समोसा थोड़ा, अगर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हमको भी, हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेते। प्लीज। क्या लगता है रमेश, कोई लेट हो जाए तो क्या करना चाहिए? लेट हो गए तो इनकी सजा यही है, क्योंकि नए हैं ये बिल्कुल, तो
कविता तो इनको पढ़वा दो, समोसा इनके हाथ में से ले लो। देखो ये है वो आदमी, इसकी नजर न कवि पे है न कविता पे, समोसे पे है। लेकिन राकेश तिवारी, तुम भले ही देरी से आए हो, हालांकि उस सोफे पे इन लोगों ने जगह भर दी है, कोई बात नहीं, लेकिन इस मंच का जो मन है वो बहुत बड़ा है। क्या बात है। और उस पे तुम्हारी जगह है, आओ पढ़ो। राकेश तिवारी का स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। सर कैसा है कि मुझसे कई लोगों ने पूछा कि हम लोग कौन हैं, कौन हैं? तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम वो फूल हैं जो माली की निगाह में आ गए। हम वो फूल हैं जो माली की निगाह में आ गए, लोग हमारी फिक्र हमारी परवाह में आ गए, यहाँ पर आए कवियों से ये कहते हैं लोग, जरा अदब से पेश आओ, ये वाह भाई वाह में आ गए। सर ये जो मौका दिया आपने कवियों को, सबसे पैंडेमिक से बाहर आके सुनने वालों को सुनाने वालों को जो मौका दिया, वरना कहते ना कि हमने अपनों को इतना साया दिया कि वैसा साया दरख्त भी ना दे सके, हर बात यही कहते रहे कि वक्त ही ना दे सके, वक्त दिए तो मालूम हुआ कि उदास होने लायक गम कभी थे ही नहीं, वक्त का ना होना तो बस एक बहाना था, कुछ रिश्तों में हम कभी थे ही नहीं। वाह वाह बहुत अच्छे। और ये जो शख्सियत है सामने, इन्होंने जो मेरे हाथ में कलम पकड़ाई है, मैं वो किस्सा सुनाता हूँ कि हिस्ट्री की किताब थी, कलम मेरे पास थी। अच्छा। उम्र मेरी शायद 10वीं क्लास थी, तभी टेलीविजन के रूम से एक आवाज आई जिसे सुनकर मैं हो गया मौन, कि हर बात पे शायरी काफिया गजल ये शख्स आखिर है कौन। उसका ही जलवा शो में तमाम था, खत्म हुआ तो पता चला एंकर में आपका नाम था। उस दिन ऐसा ही बन जाएंगे खुद से किया द्वंद था, हिस्ट्री की किताब के पीछे लिखा पहला बंद था, और मुंबई शहर में ऐसे ही तो पूरे होते ख्वाब हैं, आपको सुनकर लिखना शुरू किया था, सुनने वाले आप हैं। अरे वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तिवारी राकेश, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको कुछ समोसे पे सुनाता हूँ। अच्छा, सुनाना भी समोसे पे ही है। हाँ, क्या करें सर, मुझसे हर कोई कहता है कि मोहब्बत मोहब्बत के जज्बात दफन हो गए क्या, समोसे पे लिख रहे हो, बाकी सारे विषय खत्म हो गए क्या। तो चलिए साथ में चलते हैं, दास्ताने समोसा सुनते हैं। सर कि लोग पूछते हैं मैं एक ही लफ्ज से जाहिर अपने जज्बात क्यों करता हूँ, मैं जब भी करता हूँ समोसे की बात क्यों करता हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊं कि आंधी है तूफान है लगस्ती हवा है, हजारों टूटे दिल की एक तरफा दवा है, मैं कविता सुनाकर क्या समझाऊंगा, खाकर जानो कि समोसा क्या है। और ये कब कब याद आता है, कि जब लंबे सफर में आपने अपनी भूख को रोका होता है, महंगा बर्गर खरीदने से बजट ने आपको टोका होता है, जब ऑफिस वाले कैंटीन ने भी ठंडा खाना परोसा होता है, मंथ एंड में बैंक बैलेंस का नहीं भरोसा होता है, ऐसे में फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट लंच ब्रेकफास्ट और कुछ नहीं बस एक समोसा होता है। ये मिलता कहां कहां है, मिलता कहाँ कहाँ है कि यादगार इसके बिताया हुआ सर हर एक पल होता है, इसकी कोई एक जगह नहीं, इसका लोकेशन यूनिवर्सल होता है। इसे ये मिल जाएगा आपको किसी भी चौरस्ते की दुकान में या रेलवे की स्टॉल में, सिनेमा के कैंटीन में या फिर बड़े से शॉपिंग मॉल में, चाहे आपका घर हो कॉम्प्लेक्स में या यूं ही किसी मकान में, पहुंच जाइए चलते फिरते समोसे की दुकान में, या तो स्कूल के गेट के पास खाइए हरी चटनी के साथ अपनी मुंह बोली गर्लफ्रेंड या फिर अपनी प्राइवेट पत्नी के साथ। अच्छा खाने की बात क्या होता है, खाने से इसको चेहरे से गम का बादल हट जाता है, वक्त न जाने कहां कैसे कट जाता है, गिराता है दोस्ती में दुश्मनी की दीवारें, इसे जो दोस्त खिलाए तो दोस्तों में बढ़ जाता है। हाय हाय। अच्छा खाना कैसे है, खाना चाहते हो तो खाओ, अगर सिंगल हो तो क्यों हो यार, अगर सिंगल हो तो खाओ मूछों पे ताव दिए, दिल में इश्क और मोहब्बत के घाव लिए, और शहर बंबई में हो तो एक समोसे के साथ दो पाव लिए, और फिर दुनिया की राजनीति को कोस दो उल्टी सीधी बात बनाकर, या तो खाओ कड़ी के साथ या तो पापड़ी चाट बनाकर। अब कौन कौन खाता है, कि कभी दोस्त यार लिए, कभी 10 रुपए में 4 लिए, कभी खिलाने वाले से ही उधार लिए, और इसे खाने वाले अमीर गरीब झूठे सच्चे भी खाते हैं, हमारे गांव में जब सत्यनारायण चाचा बनाते हैं तो मदरसे के बच्चे भी खाते हैं। वाह वाह वाह।
हमारे गांव में जब सत्यनारायण चाचा बनाते हैं तो मदरसे के बच्चे भी खाते हैं, तो चलो अब हमारे बीच में रिश्ता तय हो, न हो किसी की मात न किसी की शय हो, न वेट की चिंता न कैलोरीज का भय हो, जहां भी हो जेब पे हाथ रखो और दिल से कहो समोसे की जय हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया राकेश तिवारी, तुमने कमाल कर दिया। राकेश तिवारी ने मुझे सुन के कविताएं लिखना सीखा और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। जितने नए लोगों को, जैसे हिंदी में कहते हैं, अगर मुझसे प्रेरणा मिल सकी है तो इसके लिए मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि जैसे नए बच्चे और आए लिखें और इसी तरह से लिखते रहें। यहाँ जगह नहीं है तो क्या हुआ, क्या बात, तुम्हारी जगह कहीं और है, तुम्हारी जगह समस्या की दुकान पर है। भाई साहब मजा आ गया समोसे खा के। अब हम पढ़ते हैं आगे और हम बुलाते हैं उस बालिका को जो हिंदी साहित्य की विद्यार्थी है और बहुत अच्छा कहने की कोशिश कर रही है, प्रयासरत है। हम सबका कर्तव्य है कि जब भी कोई नया व्यक्ति आए, कोई नया कलमकार आए, तो हम उसे पूरा प्रोत्साहन दें। एकता आर्य अलीगढ़ से हमारे बीच में आती है और मैं जानता हूँ आज जब देश के करोड़ों लोगों के बीच में उसकी कविता पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर वो आपके दिलों में घर करेगी। हम स्वागत करते हैं एकता आर्य का। सबसे पहले आदरणीय शैले सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैंने मुंबई तक का सफ़र तय किया। शैले सर, यदि आपकी इजाज़त हो तो कुछ मंचले लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं चार पंक्तियाँ इनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जरूर पढ़ो एकता, पर मुझे बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि मंचले हैं यहाँ पे? ये इतनी जल्दी खोज कर ली तुमने अलीगढ़ से आके, तो मुश्किल तुम्हें आधा घंटा मंच पे हुआ, तुम्हें ये भी पता चल गया कि मंच चले हैं? भाई पढ़ो। जी मैं पढ़ती हूँ, सुनो जी। ये अंबर सितारे बिना कुछ नहीं हैं, ये अंबर सितारे बिना कुछ नहीं हैं, ये नदियाँ किनारे बिना कुछ नहीं हैं, हमारे बिना चाहे कुछ भी बनो तुम, हमारे बिना चाहे कुछ भी बनो तुम, मगर हम तुम्हारे बिना बिना कुछ नहीं है। से मैं जुड़ना चाहती हूं जिस गीत ने मुझे पहचान दी, सुने। निडर बनी हूं मैं कभी न डरूंगी, शत्रुओं के रक्त से रंगोली भरूंगी, मरना पड़ा तो राष्ट्र पर मरूंगी, एकता हूं एकता की बात करूंगी, धर्म जातिवाद यहां प्रांतवाद है, इसी बात में बसा पूरा विवाद है, फिक्र नहीं यहाँ संविधान के लिए, फिक्र नहीं मेरे हिंदुस्तान के लिए, सद्भावना की बरसात करूंगी, एकता हूँ एकता की बात करूंगी, लाखों व करोड़ों में वो जोड़ रहा है, कौड़ियों में देश मेरा तोड़ रहा है, भाईचारे को यहाँ झिझोड़ रहा है, राखी के कलाई को मरोड़ रहा है, राखी के कलाई को मरोड़ रहा है, देश प्रेम की नई आवाज के लिए, वंदे मातरम वाले सांस के लिए, काली रात को नया प्रभात करूंगी, एकता हूँ एकता की बात करूंगी, एकता हूँ एकता की बात करूंगी। इस छोटी बच्ची को आशीष दीजिए कि इसने बहुत हिम्मत के साथ और आत्मविश्वास के साथ कविता पढ़ी। अरे राकेश तिवारी कैसे हैं? बढ़िया, हजम हो गया? हजम हो गया सर, मारिए तुम्हें कहते हुए तीन प्लेट खा के वहां से, जो फिर उसके बाद जो पांव छुए तुमने पैसे देने के नाम पे। मैंने सोचा था सरस्वती जी को मैं ले आऊं, लक्ष्मी जी आपके हाथ से निकले तो अच्छा। बहुत स्मार्ट आदमी है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन स्मार्ट से मुझे याद आ गया हमारे पास मनोज मिश्रा है जो श्रावस्ती से हमारे बीच में आते हैं और उन्होंने एक गीत बड़ा कमाल का लिखा है,
वो हमें कहना चाहते हैं कि हमें लगता है कि हम बड़े स्मार्ट हैं और स्मार्ट हो गए, लेकिन असल में हमारी हकीकत क्या है? उस हकीकत को गाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं मनोज मिश्रा जी को। आइए मनोज मिश्रा। अरे दिल्ली धरनाधिराजों की नगरी है, चार पंक्तियां सुने कि धरनाधिराज महाराज राज काज हित लाज भूल आज सब कर दियो खात्मा। अच्छा, और राज्य के भी चीफ हो जी दिखते शरीफ हो जी, अब कितने शरीफ हो ही जाने परमात्मा। कि थप्पड़ों का रोल कहूं पद का मखोल कहूं, कभी दिन में तो कभी पिट जाते रात मां। अब दोनों गाल लाल देख लगता है आप में ही राष्ट्रपिता जी की घुस गई आत्मा। टच तो हमारे हाथ में है, टच मोबाइल स्मार्टफोन तो है, लेकिन हम अपनों से टच नहीं कर पाए, अपनों के टच से दूर हो गए। वहीं से सुने कि दुख में देख दुखी हो जाना, दुख में देख दुखी हो जाना, संग में उसके आंसू बहाना, पर हटते ही उस पीड़ित में दुनिया भर की कमी बता। जग की यही रीति हो गई, थेले भर की प्रीति हो गई, सच्चाई की हार भले हो अपनी तो बस जीत हो गई। नकली हंसी झूठ का रोना आज यही सब आर्ट हो गए, हम कितने स्मार्ट हो गए। क्या बात है, हम कितने स्मार्ट हो गए। आगे देखिए क्या है कि रूखी सूखी जी भर खाते, हमारे पूर्वज रूखी सूखी जी भर खाते, रोज पनीर कहाँ वे पाते, लेकिन इतने मेहनत कस थे पत्थर तलक हजम कर जाते। क्या बात है, पर अब उतनी गांत नहीं है, उम्र 42 दांत नहीं है, 40 में दिखते हैं बूढ़े पहले जैसी आंत नहीं है, घर घर दीवारों पर लटके डाइट वाले चार्ट हो गए, हम कितने स्मार्ट हो गए। और देखें आगे क्या बात है कि था एक दौर गरीबी होती, मर्यादा तब भी ना खोती, हमारी माताएं बहने मर्यादा तब भी ना खोती, बेशक थे पैबंद लगे पर इज्जत ढकती थी तो धोती। क्या बात है, पर अब पश्चिम रंग रंगे हैं, फटी जींस जो भिख मंगे हैं, पर अब पश्चिम रंग रंगे हैं, फटी जींस जो भिख मंगे हैं, वस्त्रों की हालत ऐसी जो देही पर कट पीस टंगे हैं, वस्त्रों की हालत ऐसी जो देही पर कट पीस टंगे हैं, ऐसी हालत तब है जब की गली गली बीमार्ट हो गए, हम कितने स्मार्ट हो गए। कि खाकर जिसका दाना पान चढ़ी हुई अलमस्त जवानी, आज उसी को भूल गया तू पाकर के सपनों की रानी, यही गलत एक काम कर दिया माँ बाप ने, यही गलत एक काम कर दिया, सब कुछ तेरे नाम कर दिया, पर तूने वो निरे कसाई जीना तलक हराम कर दिया, जीना तलक हराम कर दिया, जीवन भर जो साथ जिए वो अंत समय दो पार्ट हो गए, हम कितने स्मार्ट हो गए। क्या बात है, हम कितने स्मार्ट हो गए। बहुत बहुत क्या बात है, वाह वाह।
ये नई पीढ़ी जिस पीढ़ी के लिए तुम कह रहे थे कि उम्र 42 दांत नहीं है और ऐसी आंत नहीं है, और वो पीढ़ी आपके इस गीत पे खड़ी होती है, यानी कि वो भी दर्द से जुड़ते हैं, उनके भीतर भी संवेदनाएं जिंदा है। और कविता की ताकत यही है कि आपके भीतर की संवेदनाओं को उकेर के उनसे करुणा का एक चित्र बना दे, और वो आपने किया। और अब हम जो आपको चित्र दिखाने जा रहे हैं वो बड़ा कमाल का है। कहानी थोड़ी इल्मी है, फिल्म का दृश्य दिखाएंगे, आवाज नहीं सुनाएंगे, उनको देख के हमारे कवि मित्र क्या कहेंगे ये हम आपको बताएंगे। कहानी थोड़ी इल्मी है। अरे अरुणा ईरानी जी देख रही है कि, और देवेन वर्मा जी जो बकरी का दूध पी रहे थे, इसके दिमाग में कुछ आता है सर? हाँ समोसे वाले बोलो। हाँ, राकेश तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलो राकेश। मैं तो सर मेरे दिमाग में देखते ही एक चीज आ गई कि एक उम्र बीती मोहब्बत की जमीन पर एड़ियां घसीटे हुए, अरसा बीत गया हसीनों के दिल जीते हुए, सोचा था शाम को उसे बुलाएंगे जाम छलकाएंगे, देख लिया उसने हमें बकरी का दूध पीते हुए। लेकिन आप इन्हें देखिए, आपको क्या लगता है ये लोग जो आपके पास आते हैं, आपको हंसी और मुस्कुराहट बांटते हैं, हम लोग भी तो इंसान हैं, हम जब अकेले में होते होंगे तो हमारी आंखों की कोर भी भीगती होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये वादा है। तब मुझे एक कवि मित्र की दो पंक्तियां आती है, एक बड़े कमाल के कवि, उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आती है कि तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे महफिल महफिल गाएंगे, और जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। वाह!